मेरे किसान मित्रों, हम खेती कर करके पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन पौधों का शरीर शास्त्र के बारे में हम कुछ नहीं जान पाते। जब तक हम हमारे पौधों के शरीर के विकास के बारे में मूलभूत बातों को नहीं समझ लेंगे, हम हमारी उपज ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ये जो पौधों का शरीर शास्त्र, प्लांट फिजियोलॉजी, जब हम समझ लेंगे तो हमारी उपज विक्रमी, गणितिक और हुकमी हो सकती है। ये तीन शब्दों के दाता है श्री दाभोलकर जी। दाभोलकर जी ने अपने जीवन के मूल्यवान समय किसान के विकास के लिए दिए। उन्होंने एक एक पौधों के साथ बातचीत की, विद्यापीठ में जाकर नहीं, खेत में पौधों के साथ बैठकर ये पौधा अपना विकास कैसे करना चाहता है, उसे कब पानी चाहिए, उसे कितना पानी चाहिए, कौन से स्थान पर चाहिए, खुराक कब चाहिए, कहाँ चाहिए, किस रूप में चाहिए, कौन से अवस्था में चाहिए, इस सभी बाबतों का दाभोलकर जी ने अभ्यास किया। ये शरीर शास्त्र को जानकर हम हमारा उत्पादन कैसे विकसित कर सकते हैं, हम कैसे गलत खर्च से बच सकते हैं, जिस खुराक की खाद की आवश्यकता नहीं है उससे हम कैसे बचकर अपने खेत से उत्पादन ज्यादा ले सकते हैं, उसके मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हम केले को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या केले के पत्तों का आयुष्य में मालूम है? क्या पहला पत्ते के बाद दूसरा पत्ता कितने दिनों के बाद आता है ये मालूम है? क्या कितने पत्तों आने के बाद लाल फूल जो आता है वो आता है ये हमें मालूम है? क्या हम जानते हैं कि पांचवें महीने में कितने पत्ते आ जाने से 13वें महीने पे जो केले से फल आने वाला है उस फलों का उत्पादन, उसका उत्पादन कितना किलो आएगा वो पांचवें महीने में मालूम पड़ जाएगा? मित्रों, जब आपको पांचवें महीने मालूम पड़ जाएगा इसमें से 10 किलो उत्पादन मिलने वाला है तो आप केले के पौधे को बदल सकते हैं। लेकिन मालूम पड़े 13वें महीने के बाद तो क्या मतलब? तो किसान को पौधों का शरीर शास्त्र जानने से उत्पादन केले का 40 किलो मिल सकता है। आज क्या मिलता है? 15 से 20 किलो, 25 किलो। तो 40 किलो उत्पादन क्यों ना मिले? जब केला हमें 40 किलो उत्पादन देने को खुश है, उसकी इच्छा है कि हर मेरे किसान 40 किलो उत्पादन पाए। ये केले का शोषण नहीं है मित्रों, ये केले को आपको देने का जो उत्साह है उस उत्साह को सहयोग देने की बात है। तो मित्रों, आज हम एक केले को, केले का शरीर शास्त्र को समझकर 40 किलो का उत्पादन कैसे ले सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात, केले का जो कंद है वो 500 से 800 ग्राम का होना चाहिए। ये 800 ग्राम का कंद होगा तो उसके अंदर स्टोरेज ज्यादा है, उसमें खुराक का संचय ज्यादा होने से उससे जड़े का विकास ज्यादा होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा। और ये पौधों की जड़ें जितने लंबे होंगे मित्रों उतना ही तो पत्ता लंबा आएगा। जब केले के कंद में ही खुराक नहीं है, दम नहीं है, या 500 ग्राम से कम वजन का है तो खुराक कम होने से जड़ों का विकास भी कम होगा,
जड़ों का विकास कम होगा, पत्तों का विकास कम होगा, पत्तों का विकास कम होगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी, वो केला कम आएगा। अब कैसे हम 40 किलो का लेंगे? तो मित्रों 500 से 800 ग्राम का कंद एक फुट गहरा लगाना है। क्यों? केले का दूसरा कंद जमीन से आएगा, वो ऊपर लगाएंगे तो केला गिर जाएगा। एक फुट गहरा लगाइए, 9 इंच गहरा से एक फुट नीचे और 3 फुट चौड़ा आप खड्डा खोदे। गहरा 9 इंच से खोदने की जरूरत नहीं है, एक फुट से ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं है। तो खड्डा 1 फुट का गहरा और चौड़ा 3 फुट का। इसमें आप अमृत मिट्टी डालें। अमृत मिट्टी डालकर आप जब केले के कंद को लगाएंगे तो उसके जड़ों का विकास जल्दी होगा, लंबा होगा। ये केले को जो पीएच है मिट्टी का, वो एसिडिक अच्छा लगता है। तो मित्रों सबसे पहला नियम आ जाएगा कि उसका जो खाद है वो सेमी डीकम्पोज होगा, एसिडिक होगा, तो केले के जड़ों का विकास अच्छा होगा। ये पहला नियम। दूसरा, जब केले का पत्ता पहला आता है, पहले 2-3 पत्ते तो उसको बोलते हैं हम निकम्मे पत्ते, उसके पत्ते को नहीं बोलेंगे, लेकिन जब दूसरा पत्ता ठीक 10 दिन के बाद आता है, उसके बाद यात्रा शुरू होती है। तो पहला पत्ता आने से दूसरा पत्ता ठीक 10वें दिन में आएगा, तीसरा पत्ता बिल्कुल 20 दिन के बाद आएगा। तो ये जो पत्तों की 10 दिन के बाद आने की विधि है, ये समझने से आपको पत्तों को लंबा चौड़ा कितना हुआ, दूसरा पत्ता पहले से लंबा आया चौड़ा हुआ, तो हमारा पौधों का विकास ठीक हो रहा है, ये आपको जानकारी मिल सकती है। इसको मैं कहूंगा पौधों की भाषा। चौथा पत्ता आएगा बिल्कुल 1 महीने के बाद, तो 5 महीने में आपके पास बिल्कुल 15 पत्ते आ जाएंगे। 5वें महीने में एक केले ने जितने पत्ते निर्माण किए हैं उनकी सभी की लंबाई चौड़ाई आप मापोगे, वो 125 स्क्वायर फुट हो जाएगा, तो आपका पौधों ने विकास 5 महीने में ठीक किया है, ये आप 100% जान सकते हैं। यदि 125 स्क्वायर फुट का टोटल नहीं हुआ तो उतना केला कम आएगा, तो आप समझो 80 स्क्वायर फुट हुआ टोटल, तो आपका केले 40 से 20 किलो तक आ जाएगा या 10 किलो तक आ जाएगा। मित्रों याद रखें, कोई भी पौधा जो खुराक निर्माण करता है वो पत्तों के लंबाई चौड़ाई से होता है, उसका जो क्षेत्रफल है केनपी है उसके ऊपर उत्पादन का आधार होता है, ना कि खाद के ऊपर। तो जितने पत्ते आपने लंबे चौड़े विकसित कर लिए 5वें महीने में, उसी के आधार पे 13वां महीने में कितना किलो इलूम आएगी ये आप तय कर सकते हैं। अब 5 महीने के बाद 125 स्क्वायर फुट की बराबर लंबाई चौड़ाई का टोटल हमने जो किया 15 पत्तों का, वो टोटल 125 स्क्वायर फुट हो गया है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो 9वें महीने में आपको फूल बाहर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जो 9वां महीना है, तो 5वें महीने से 1 महीना होने के बाद 16वां पत्ता जब आएगा, तो पहला पत्ता जो आया था वो सूख जाएगा, वो नम जाएगा। मित्रों ये 16वां पत्ता आने के बाद जो पहला पत्ता नम गया, सूखा हो गया, उसको निकालना नहीं है। जब 17वां पत्ता आएगा तो दूसरा पत्ता जो आया था वो नीचे हो जाएगा। तो जो पत्ते नीचे होते हैं सूख जाते हैं, वही पत्ते आपके तना का रक्षण करते हैं सूर्य प्रकाश से। तो सूर्य प्रकाश का स्ट्रोक, सूर्य प्रकाश का तापमान हमारे तने पर न गिरे, इसीलिए कुदरत ने 16वां पत्ता आने के बाद 17वां पत्ता आने के बाद एक एक पत्ते को नमा दिया, तो आपने उस पत्ते को काट देते हैं। तो मित्रों आपके केले के उत्पादन को कम न करना हो तो ये पत्ते को काटना नहीं चाहिए। अभी 5वां महीना, 6ठा महीना हो गया, तो 6, 7, 8, 9 महीने तक, यानी 4 महीने तक और वापस 3-3 पत्ते आएंगे, तो ये जो 12 पत्ते आएंगे वो 15वां पत्ता का जो लंबाई चौड़ाई थी उसी लंबाई में आपके पत्ते आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 महीने बाद में भी आपके केले के ऊपर
15 पत्ता सतत रहने चाहिए। ये सतत 15 पत्ते नहीं रहते हैं तो आपका केले का उत्पादन कम होता है। एक बात और मित्रों, केले का जो फल का संचय है वो तने में होता है, तो तना आप देखते हैं कि पत्तों के नीचे का उसका पेट फूलता है। जैसे हमारे परिवार में बहन, पत्नी, माता जी गर्भ से धारण करते हैं तो पेट बड़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह केले में भी उसका पेट फूलता है। तो नौवें महीने में फूल आएगा, नौवें महीने के बाद धीमे धीमे केला बाहर निकलना शुरू करेगा, तो 15 दिन में आपका केले का फूल पूरा बाहर आ जाएगा। ये जो फूल बाद फूल में आ गया तो 4 महीने के बाद आप केले को चार महीने के बाद आप केले को पूरा हार्वेस्ट कर सकते हैं। 9 महीने के बाद जो फूल बाहर आया वो 4 महीना और आपके पास रहेगा, तो 5वें महीने के बाद 4 महीना, 9 के बाद 4 महीना, तो 9 और 4 13 महीना, 13वें महीने में आपके पूरी केले किलो बाहर आ जाएंगे। अभी इसके थोड़ी बात और इन समझ लेंगे तो 7वां महीना जब केले का आता है तब जो पिल्ले आते हैं वो पिल्ला आप रख ले। इससे क्या होगा कि आपका केला जब 13 महीना का हो जाएगा तब ये आपका पिल्ला 6 महीने की आयुष्य पसार कर चुका होगा। मित्रों, इस विज्ञान को जानकर आप अगले साल में 2 दफा केले को हार्वेस्ट कर पाएंगे। एक तो इस पिल्ले का केला 6 महीने में 7वें महीने में आपको फल मिल जाएगा, तो अगले साल आपके 7वें महीने में पूरा 40 किलो का लूप मिल जाएगा। अब जो आपका केला में से फल निकल चुका है उस केले के तने को आप 1 से 1.5 फुट तक रख कर काट ले, ताकि ऊपर का जो बायोमास है, तना है, उसको काट कर केले के आस पर ही डाले, वो ही आपके केले का खाद है, उसी में ही पोटाश है, इसी में सभी चीजें जो जमीन से केले ने लिया वो उपलब्ध अवस्था में है। ये उपलब्ध अवस्था में जो बायोमास आपके पास है, जैव भार है, वो केले को देने से आपकी अगली फसल और अच्छी आएगी, क्योंकि उस समय केले के जड़ों को ताकत कम खर्च करनी पड़ेगी। जो आपने ऊपर मल्चिंग के रूप में, आच्छादन के रूप में बायोमास डाला है उसी से जड़ों अपना खुराक ले लेंगे। जमीन से जड़ जब खुराक लेता है उसके प्रमाण में बायोमास जो आपने मल्चिंग के रूप में डाला है उसको खाद में रूपांतर कर जो जड़ों अपना खुराक देते हैं उसमें ऊर्जा का संचय होता है। जो ऊर्जा का संचय हुआ वो तो फल में रूपांतर होगा। तो मित्रों, ऐसे केले को आप मल्चिंग कर आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, केला जब 5 महीने का हो जाता है तो जमीन से कुछ नहीं लेता, इसीलिए जो ये समय का जो केला आपका है दूसरा, वो जमीन से लेने के लिए सक्षम बनेगा, लेकिन अपने पिता का जो वारसा यानी कि उसने जो बायोमास रूप में आपने दिया उससे उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरी फसल के लिए आपको कुछ अमृत मिट्टी डालनी पड़ेगी। तीसरे फसल में यानी कि दादा का बायोमास पोते को मिलता है, बाप का माल बेटे को नहीं मिलता। तो मित्रों, हमें जब पोता आएगा तब तीसरी पीढ़ी में एक भी खर्च किए बिना आप उत्पादन सतत बढ़ाकर ले सकते हैं। 40-50 किलो तक आपका केला आ सकता है। उसके बाद में केले का वजन कम हो इतना ही रहेगा, लेकिन केले की मिठास, केले के अंदर गुण, उसके पोषक तत्व बढ़ते जाएंगे। क्यों कि आपने हर समय उसका जो बायोमास है वो वापस जमीन पर देने से उसके अंदर के गुण तत्व, पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी मित्रों? जैसे जैसे जैव भार उस मिट्टी में जो छुपे हुए एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को रूपांतर करने की प्रक्रिया धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। ये रूपांतर किए हुए एलिमेंट्स केला लेता जाएगा और हर साल आपके केले की मिठास,
हर साल आपके किले की गुणवत्ता बढ़ती रहेगी। ये शरीर शास्त्र का अभ्यास करकर आप रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इस सभी चीजें, जैविक शास्त्र, सब कुछ आप सीख सकते हैं सिर्फ केले से बातचीत करते हुए। मित्रों, जैसे केले से बातचीत किया, ऐसे ही हम नारियल के साथ बातचीत कर सकते हैं, ऐसे ही हम चावल के साथ बातचीत कर सकते हैं, ऐसे ही हम मिर्ची के साथ बातचीत कर सकते हैं, ऐसे ही हम बिंजर के साथ बातचीत कर सकते हैं, ऐसे ही हम नाचने के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो पौधों के साथ बातचीत कर, पौधों के साथ मैत्री कर हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं।